अब देखिए थोड़ा सा बीमारी जिसको नोट कर दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा बात आपको बता देते हैं। यूनियन का ए बराबर 1 2 3, बी बराबर ए बी और सी, नोट कर लिए। देखिए यहाँ पर ए बराबर हमने तीन, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, तत्व बोलेंगे, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एक प्रकार समझिए एक आदमी है, ये क्या है, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, यहाँ हम लोग यहाँ इनका नाम क्या देंगे, तत्व से बोलेंगे या तो एलिमेंट से बोलेंगे। इनको भी ए बी सी तीन एलिमेंट हो गए या तीन तत्व हो गए। अब बात यह आती है जैसे एक शब्द आपको आ जाएगा ए यूनियन, इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, यूनियन, ए यूनियन बी, और यहाँ पर ए वाला जो चीज नीचे का लग जाएगा इस तरह का, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। यूनियन इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोला जाता है। मेरे बात को ना, ये आपका यूनियन है, क्या नाम है इसका, इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब संघ होता है, समूह से होता है। जैसे दो लोग हैं, मान लीजिए पांच लोग और आ गए, कितने लोग हो गए, सात लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ पर कह रहा है कि ए और यूनियन, मतलब ए में ए और बी दोनों मिलकर कितने यूनियन हो जाएंगे, तीन यहाँ पर है, तीन यहाँ पर, कितने हो जाएंगे, छह। इसको हम लोग इकट्ठा करके लिखेंगे, मतलब एक लोग भाई यहाँ तीन लोग हैं, यहाँ पर तीन लोग हैं, मानिए तीन लोग यहाँ पर बैठे हैं, तीन लोग और बाहर से आ जाए कोई, पांच लोग जाएंगे, कहेंगे यहाँ पर नाम बताओ कितने लोग हैं, सबका नाम लिया जाएगा बारी बारी से। उसी तरह यहाँ पर जैसे आपको पहला ए हो जाएगा, दो हो जाएगा, फिर यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हम तीन लिख देते हैं, ये बताइए कोई मान लीजिए साहिल जी यहाँ पर बैठे हैं, फिर साहिल जी बाहर निकल जाए, यहाँ यूनियन में शामिल है, साहिल जी बाहर निकल जाए, फिर साहिल जी दो लोगों को लेकर अंदर चले आए, गोलू जी को और अमित जी को लेकर चले आए, दो लोगों को अंदर लेकर, बताइए साहिल जी यहाँ दो बार गिने जाएंगे, एक बार अंदर थे, एक बार कहाँ से, बाहर से आए हैं। हम पूछेंगे कितने लोग आए, यहाँ पर दो लोगों को लेकर आए, अब दो लोग यहाँ पर थे, अब ये निकल गए बाहर की तरफ, किसको लेकर आए, गोलू जी को और अमित जी को, दो लोगों के लेकर कितने लोग हुए, चार लोग हुए जी, आपको लेकर चार लोग हुए। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो दो लोग पहले यहाँ पर काउंट हुए, और फिर वहां पर देखा जाए तो अमित जी, गोलू जी, फिर साहिल जी, और यहाँ पर भी साहिल जी, दोनों तरफ साहिल जी है ना, साहिल जी जो पूछेंगे टोटल लोग कितने, कितना बताएंगे, चार बताएंगे। देखने में लग रहा है कितने लोग हैं, पांच लोग हैं, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति जी साहिल जी जो है दो बार काउंट किए जा रहे हैं, एक बार यहाँ पर भी काउंट किए जा रहे हैं, एक बार बाहर भी काउंट किए जा रहे हैं। इसे स्पष्ट हो रहा है कि एक कोई भी व्यक्ति एक का वर्क काउंट किया जाएगा, ये नहीं कि यहाँ पर जूता पजामा पहने हैं, यहाँ पर नाम हमारा विशाल है, पता लगा चले गए दूसरे के घर, वहाँ जामा जोड़ा पहने हैं तो वहाँ पर नाम हमारा बदल जाएगा। अरे वही रहेंगे ना हम, यहाँ विशाल जी यहाँ पर भी है, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी विशाल जी, यहाँ से मुंबई हमको भेज दीजिए तभी मुंबई जाएंगे, तभी विशाला जी रहेंगे, मुंबई से हमको लंदन भेज दीजिए तो वहाँ भी विशाला जी, बदलेंगे नहीं। इसका मतलब वह व्यक्ति जो है तत्व जो है, तत्व या एलिमेंट जो है वही रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए कौन है, एक दो तीन, यहाँ पर देखिए तीन यहाँ पर भी है, तीन यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ भी फंक्शन में भाग ले रहा है, मतलब ए के शादी में गया और बी के शादी में भी गया, तो देखा जाएगा, पूछा जाएगा यहाँ पर कितने लोग थे, यहाँ भी तीन लोग थे, यहाँ भी कितने लोग थे, तीन लोग थे, लेकिन यहाँ पर तीन जो है दोनों में शामिल हो रहा है। पूछेंगे कितने मिलाकर हुए टोटल, कितने बताएंगे आप यहाँ पर, देखिए एक दो तीन चार पांच, ये नहीं होगा क्योंकि ये दो बार काम किया गया। यहाँ पर देखिए आपका जो है जैसे सी नहीं होगा, कितना होता है एक दो तीन ए और बी, मतलब एक व्यक्ति जो है दो बार काउंट आएगा यहाँ पर, यहाँ पर एक ही बार देखेंगे। मेरे बात जैसे यहाँ पर देखिए क्या आ जाता आपका, ए आ जाता, यहाँ पर ए दो बार आया, एक बार ही लिखेंगे। मेरे बात को ना, जब यहाँ पर तीन तीन दो बार आया, एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति दो जगह काउंट नहीं हो सकता। अब देखिए इंटरसेक्शन की बात क्या करता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जैसे साहिल जी यहाँ पर भी थे और बाहर भी थे, दोनों जगह क्या है, मतलब वहां पर काउंट किए जा रहे हैं, यहाँ पर दोनों जगह उपस्थित हो, यहाँ भी उपस्थित है और बाहर भी उपस्थित है, इसका मतलब उनको इंटरसेक्शन में लिया जाए। कहा जाए ए में, मतलब ए और बी में दोनों में कॉमन कौन है, यहाँ पर देखा जाए कॉमन कौन है, पहले तीन कॉमन है, यहाँ कहेंगे तीन कॉमन हो जाएगा, ए बी ए कॉमन ले लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यूनियन का मतलब होता है संघ, संघ का मतलब जुड़ाव, कई लोगों का इकट्ठा होना। मेरे बात को ना, यही आपका कॉन्सेप्ट है यूनियन का और इंटरसेक्शन का।
फॉर एग्जाम्पल अब सवाल जैसे ये तो सिंपल था ताकि रिलेशन बना ली, अब थोड़ा सवाल को जटिल करते हैं देखिए कैसे। चलो कागज दीजिए कागज, अब इसके आगे देखिए लिखा हुआ कागज जो होते हैं इसको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, अब देखिए सवाल एक टू एग्जांपल देते हैं आपको। साउंडो की कार्ड हो जाएगा मुझे क्या हुआ मैं साउंडो ए बराबर वन टू थ्री और डी बराबर तीन और चार, सी बराबर चार पांच और छह। ठीक, यहां पर आपसे पूछेंगे ए और बी में दोनों में कॉमन कौन है, तीन कॉमन है, बी और सी में चार कॉमन है, ए और सी में कोई कॉमन नहीं। मेरे बात को ना, अब देखिए आपको सवाल थोड़ा जटिल बनाना है। यहाँ पर कहेगा कि पहला क्वेश्चन ए क्रॉस डी इंटरसेक्शन सी, अब इसका मतलब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी निकालिए तब उसके बाद ए का संबंध इनसे बनाना पड़ेगा। मेरे बात को ना, फिर दूसरा सवाल आपको दे देगा जैसे ए क्रॉस डी यूनियन सी, इस तरह दे देगा। जगह पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, बी यूनियन सी निकाल लिया जाए। यूनियन का मतलब संघ, मतलब जुड़ाना, बी और सी को जोड़िए तीन चार पांच और छह, और बी इंटरसेक्शन सी निकालिए दोनों कॉमन कौन है चार, बस चार कॉमन है तो बस चार ही होगा। अब देखिए इस वाले सवाल में क्या बताना है, ए का जो है रिलेशन इन लोगों से बताना है, जी इंटरसेक्शन सी से यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए पहली सवाल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो चलिए ए का मान देख ही रहे हैं यहाँ पर वन, वन का संबंध किससे हो जाए, इंटरसेक्शन कौन है चार से, ए का संबंध चार लिख दे क्या यहाँ पर लिख कर करें, देख लीजिए एक दो तीन क्रॉस और बी इंटरसेक्शन का मान कितना है चार, अब एक का संबंध किससे हो जाएगा, एक का संबंध चार से हो जाएगा, दो का संबंध चार से हो जाएगा, फिर तीन का संबंध चार से, देख रहे कितना सिंपल है। बस ऐसे ही वहाँ पर दो होगा तब चार के संबंध, चार के संबंध कौन दो होगा, एक का संबंध चार से करेंगे मान लीजिए यहाँ पर दो हो जाता, एक का संबंध चार से, एक का संबंध दो से, एक का संबंध फिर चार से हो जाएगा, मतलब एक बार एक को उठाएंगे ये दोनों लोगों का संबंध बनाएंगे, फिर दो को उठाएंगे इन दोनों लोगों का संबंध बनाएंगे, फिर तीन को उठाएंगे इन दोनों लोगों का संबंध बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। या तो आप क्या करिए, एक का संबंध चार से करिए, फिर एक दो का संबंध चार से करिए, फिर तीन का संबंध चार से करिए, फिर जो है एक का संबंध दो से, फिर एक का संबंध अब फिर दो का संबंध दो से, फिर तीन का संबंध, मतलब बारी बारी से भी कर सकते हैं या तो दोनों को लगातार करते हुए चले जाइए। समझ रहे बात को ना, इस तरह हम जो है संबंध निकाले, अब इस तरह इसका निकाल सकते हैं आसानी से, एक राज बी यूनियन सी का निकाल लीजिए, एक राज बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी यहाँ पर दिया ही है, एक राज को देखिए एक का संबंध तीन से, एक का संबंध चार से, एक का संबंध पांच से, एक का संबंध छह से, फिर उस तरह दो का संबंध तीन, फिर चार पांच फिर तीन का भी उस तरह हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस तरह सवाल देखिए आपको थोड़ा सा बढ़ाते ही जाए।